14 जनवरी 1936, हृदय के संबंध में प्रश्न किया गया। श्री भगवान ने कहा, आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। हृदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का स्थान हृदय है, उसे आंतर या बाह्य नहीं कहा जा सकता। भक्त, क्या श्री भगवान ने अपने प्रथम अथवा प्रारंभिक अनुभव में साक्षात्कार का स्थान हृदय अनुभव किया था? महर्षि, इस विषय पर साहित्य पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। मैंने अपने अनुभव से इसका परस्पर संबंध किया। 15 जनवरी 1936, थियोसॉफिकल सम्मेलन से 3 यूरोपियन महिलाएं यहां आईं तथा प्रश्न किया, क्या संपूर्ण व्यवस्था योजना वास्तव में उत्तम है अथवा ये सब एक प्रकार का भ्रम एवं भूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए? महर्षि, योजना वास्तव में उत्तम है, भूल हमारी ही है। जब हम स्वयं का सुधार कर लें, पूरी योजना पूर्णतः वास्तविक हो जाती है। भक्त, क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं ये स्मरण कर उस भूल को सुधार लें? महर्षि, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वो आनंद से सोया तथा तब कुछ नहीं जानता था, कोई दूसरा अनुभव नहीं था। भक्त, उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं किंतु हमें ये स्मरण नहीं रहता। महर्षि, सूक्ष्म स्तर का संबंध स्वप्न से है, गहन निद्रा से नहीं। भक्त, आपके विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में हम इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? महर्षि, सदात्मा का साक्षात्कार कर लो, केवल यही आवश्यक है। भक्त, क्या हम अधिक जनसेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और कैसे? महर्षि, चूंकि हम स्वयं की सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतः समर्पण करना आवश्यक है। तब वो हमारी तथा जगत की देखरेख करेगा। आपके विचार में लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? तीव्र ज्ञान से यह हो सकता है। डॉक्टर जी एच मीस, एक डच नवयुवक, कुछ दिन के लिए यहां आए। उन्होंने श्री भगवान से प्रश्न किया, मेरी ऐसी धारणा है कि गहन निद्रा में मुझे कुछ समाधि जैसी अवस्था रहती है, क्या यह ऐसा ही है? महर्षि, जागृति का मैं ये प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति का मैं नहीं। यदि तुम जागृत निद्रा अवस्था, जो कि समाधि जैसी है, जागृत अवस्था में प्राप्त कर लोगे तो संशय उदय नहीं होंगे। समाधि मनुष्य की सहज अवस्था है। ये तीनों अवस्थाओं की मूलाधार है। ये अर्थात मैं इन अवस्थाओं में नहीं है, अपितु ये अवस्थाएं उसमें हैं। यदि हमें जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त हो जाए तो ये अवस्था गहन निद्रा में भी बनी रहेगी। सचेत तथा अचेत अवस्था का भेद मन के क्षेत्र का है, सत आत्मा की अवस्था उससे परे है। भक्त, क्या बौद्ध विचारधारा कि जीवात्मा जैसी निरंतर सत्ता है ही नहीं,
सही है अथवा नहीं? क्या हिंदू विचारधारा अहंकार के पुनर्जन्म से इसका सामंजस्य है? और क्या हिंदू मत से आत्मा नित्य सत्ता है जो पुनः पुनः जन्म लेती है, अथवा ये सब केवल मानसिक प्रवृत्ति संस्कार मात्र का समूह है? महर्षि, वास्तविक आत्मा नित्य एवं अप्रभावित है। पुनर्जन्म होने वाला अहंकार निम्न स्तर का है, अर्थात संकल्प। आत्म साक्षात्कार इससे परे है। पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण है। इस कारण बौद्ध इसको नहीं मानते हैं। वर्तमान अवस्था चित्त और जड़ के मिलाने के कारण है। श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा की, क्या कोई स्वयं संकल्पों के साक्षी होने का अनुमान कर सकता है? महर्षि, ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है। ये केवल मन को शांत करने के लिए एक भावना मात्र है। आत्मा सदैव साक्षी है, ऐसी कल्पना करें अथवा ना करें। उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु स्वयं आत्म भाव से रहना सर्वोत्तम है। मैसूर के वित्त सचिव ने पूछा, क्या पॉल ब्रंटन की पुस्तक गुप्त मार्ग भारतीयों के लिए भी उपयोगी है? हां, सभी के लिए। शरीर इंद्रियां आदि मैं नहीं है, ये हम सब में समान रूप से है, परंतु इसका अभ्यास कैसे करें? उसमें वर्णित मार्ग त्रयी द्वारा। क्या खोज के लिए प्राणायाम आवश्यक है? पूर्णतः नहीं। पुस्तक में ऐसा कहा है कि मध्यवर्ती शून्यता यानी रिक्तता होती है। हां, वही मत रुक जाओ। ये देखो कि शून्यता किसको प्रकट होती है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि भक्तों के लिए कोई शून्यता नहीं है। महर्षि, वहां भी अव्यक्त अवस्था है, लय, मन कुछ समय पश्चात जागृत होता है। समाधि का क्या अनुभव है? वो है जैसी वो है। दर्शकों को ये मूर्छा दिखेगी। प्रारंभ के अनुभव में अभ्यासी को भी ये ऐसी प्रतीत होती है। ऐसे कुछ अनुभवों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन अनुभवों से नाड़ियां उत्तेजित होती हैं अथवा शांत? प्रारंभ में वो उत्तेजित होती हैं, निरंतर अनुभवों से सामान्य अवस्था हो जाती है, तथा फिर व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता। यदि सुरक्षित मार्ग पकड़ें तो कष्टदायक नहीं होगा। उत्तेजना सहज अवस्था तथा कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। महर्षि, चंचल मन भ्रमित हो जाता है, धर्मनिष्ठ मन ही सही मार्ग पर है। 19 जनवरी 1936 सलेम से विधान परिषद के सदस्य श्री अलपा चेट्टियार ने प्रश्न किया, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है, अथवा हमें मैं ब्रह्म हूं पर ध्यान करना भी आवश्यक है? मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्ध मैं भाव के प्रवाह को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रवाहित होता है। किसी को मैं ब्रह्म हूं ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से ही होती है। इसीलिए मैं विचार की खोज की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए
तो साधक को शून्य नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतः प्रज्ञ अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व। स्थूल देह के जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता, इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, ये मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। भक्त, सत्य क्या है? सत्यता का सदैव सत्य होना आवश्यक है। ये नाम तथा रूप के साथ नहीं है, जो इनका मूल है वही सत्यता है। ये सीमाओं का मूल है एवं ये स्वयं निस्सीम है, ये बंधन रहित है। ये स्वयं सद है एवं असद वस्तुओं का मूल है। सत्यता वो है जिसकी सत्ता है। ये यथावत है या निर्वचनीय है, इसका अस्तित्व अस्तित्व रहित आदि के रूप में वर्णन संभव नहीं है। उन्हीं महाशय ने बाद में कैवल्य में से एक श्लोक का उद्धरण देकर प्रश्न किया, क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वो केवल यथावत है, यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। ये सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती हैं। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है, जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती। इस प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है। वो अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर ये अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न करने का भय अज्ञान का चिन्ह है। समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है, जब तक वो अवस्था प्राप्त न हो जाए प्रयत्न की आवश्यकता है। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के बाद मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है
जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वो स्वयं को नहीं जानता, वो बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। 20 जनवरी 1936, बैजवाड़ा के श्री प्रकाश राव पूछते हैं, क्या ब्रह्माकार वृत्ति से पूर्व ही भ्रम निवृत्त नहीं हो जाता, अथवा क्या ये बाद में भी बना रहता है? महर्षि, वासनाओं के निर्मूल होने के पश्चात भ्रम नहीं रहता। ऐक्य का ज्ञान होना तथा वासनाओं के निर्मूल होने के अंतरिम काल में भ्रम रहता है। ब्रह्माकार वृत्ति के उपरांत भी मनुष्य को जगत कैसे प्रभावित कर सकता है? पहले उसे प्राप्त कर लो एवं देखो, तदुपरांत यदि आवश्यक हो तो ये प्रश्न करो। क्या हम उसे उसी प्रकार जान सकते हैं जिस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व को जानते हैं? क्या तुम मन से भिन्न हो? तुम उसे जानने की आशा कैसे कर सकते हो? क्या चित्त विलास के पूर्ण क्षेत्र को जाना जा सकता है? अरे, क्या यही ब्रह्म की एक्यता है? अज्ञान क्षय हो जाने पर अवशेष स्वतः अपने आप को प्रकाशित करता है, ये अनुभव है, ज्ञान की श्रेणी में नहीं। 23 जनवरी 1936, श्री पॉल ब्रंटन ने महर्षि से जिज्ञासा की कि क्या अरुणाचल पर्वत भीतर से खोखला है? पुराणों का ऐसा ही मत है। जब यह कहा जाता है कि हृदय पोली जगह है, उसमें प्रवेश करने से प्रमाणित होता है कि यह प्रकाश का विस्तार है। इसी प्रकार ये पर्वत ज्योतिर्मय है, गुफा आदि भी उस ज्योति से आवृत हैं। भक्त, क्या इसके अंदर गुफाएं हैं? मैंने ध्यान में इसमें गुफाएं, मार्ग सहित नगर तथा पूरा संसार देखा है। क्या इसमें सिद्धजन भी हैं? सर्व सिद्ध इसमें हैं, ऐसा माना जाता है। इसमें सिद्ध ही हैं अथवा अन्य भी? इसी संसार की तरह सिद्ध हिमालय में कहे जाते हैं। कैलाश हिमालय पर है, ये शिव का निवास है, जबकि ये पर्वत साक्षात शिव ही है। जहां स्वयं शिव विराजमान है, वहां उनके रहने की समस्त निजी सामग्री होना आवश्यक है। क्या श्री भगवान विश्वास करते हैं कि पर्वत खोखला आदि है? सब कुछ व्यक्ति के दृष्टि बिंदु पर ही निर्भर करता है। तुमने स्वयं दर्शन में पर्वत पर आश्रम आदि देखे हैं, अपनी पुस्तक में तुमने ऐसा ही वर्णन किया है। हां, वो पर्वत की सतह पर था, दर्शन मेरे अंदर था। यह वास्तव में ऐसा ही है, सब कुछ स्वयं की आत्मा में ही है। संसार को देखने के लिए दृष्टा आवश्यक है, बिना आत्मा के जगत नहीं हो सकता। आत्मा में सर्व अंतर्व्याप्त है, वास्तव में आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस पर्वत का क्या रहस्य है? जैसा तुमने गुप्त मिश्र में कहा है, स्तूप का रहस्य आत्मा का रहस्य है। इसी प्रकार इस पर्वत का रहस्य आत्मा का रहस्य है। मेजर चैडविक पूछते हैं, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से भिन्न है। अपनी गहन निद्रा में तुम कैसे थे? मैं नहीं जानता। कौन जानता है
क्या ये जागृत आत्मा नहीं है? क्या तुम गहन निद्रा में अपने अस्तित्व को नहीं मानते? मैं था तथा मैं हूं, किंतु गहन निद्रा में कौन था मैं नहीं जानता। ठीक, जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति की अवस्था में कोई भान नहीं था। अब वो दृश्य पदार्थों को देखता है और जानता है कि वो है, जबकि गहन निद्रा में न कोई दृश्य था और न कोई दृष्टा था। अब वो बोल रहा है कि वही गहन निद्रा में भी था। इन दोनों अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब दृश्य पदार्थ एवं इंद्रियों का खेल है जो सुषुप्ति में नहीं था। इसी बीच में नई एक सत्ता अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से क्रियाशील हो दृश्य पदार्थों को देखता है, अपने आप को देह से मिला लेता है और कहता है कि आत्मा अहंकार है। वास्तव में जो गहन निद्रा में विद्यमान था वही अभी भी है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, ये तो बीच में अहंकार आ गया है। जिसका उदय एवं अस्त होता है वो अहंकार है, जो परिवर्तन से रहित रहता है वो आत्मा है। श्री प्रकाश राव पूछते हैं, माया का मूल कारण क्या है? माया क्या है? माया अविद्या है, भ्रांति। भ्रांति किसको है? भ्रांत होने के लिए किसी का होना आवश्यक है। भ्रांति अज्ञान है। तुम्हारे मतानुसार अज्ञानी आत्मा दृश्य पदार्थों का अवलोकन करती है, जबकि दृश्य पदार्थ ही नहीं है तो माया कैसे रह सकती है? माया है या मां जो नहीं है वो माया है। जो शेष रहता है वही सद आत्मा है। यदि तुम कहो कि तुम दृश्य पदार्थों को देखते हो, अथवा तुम कहो कि तुम वास्तविक एकत्या को भी नहीं जानते, तब क्या दो आत्माएं हैं? एक जानने वाली तथा दूसरी जानी जाने वाले दृश्य पदार्थ? स्वयं में दो आत्माएं होना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जागृत होकर व्यक्ति कहता है कि वो स्वयं ही गहन निद्रा में था पर बोध नहीं था। वो ये नहीं कहता कि सुषुप्त व्यक्ति अब के जागृत व्यक्ति से भिन्न था। आत्मा केवल एक ही है, वो आत्मा सदैव जागरूक है, यह अपरिवर्तित है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या स्वप्न में तुम्हारी देह नहीं होती? क्या वो देह शैया पर लेटी देह से भिन्न नहीं होती? क्या मरणोपरांत भी हम रहते हैं? क्या स्थूल देहांत के पश्चात सूक्ष्म शरीर बचा रहता है? जिस प्रकार स्वप्न में अनेक नवीन अनुभव प्राप्त कर तुम जाग जाते हो, उसी प्रकार स्थूल देहांत के बाद अन्य देह मिलती है और इसी प्रकार होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर 40 वर्ष तक रहता है। वर्तमान शरीर में तुम्हें स्वप्न शरीर सूक्ष्म प्रतीत होता है। क्या स्वप्न शरीर में तुमने ऐसा कहा था? जो अब सूक्ष्म है वो तब वास्तविक भासित होगा। इस दृष्टिकोण से स्वयं वर्तमान शरीर भी सूक्ष्म ही है। एक सूक्ष्म शरीर तथा दूसरे में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं। श्री पॉल ब्रंटन पूछते हैं, सत्य की श्रेणियां हैं? ये कहना कि स्वप्न शरीर अब असत्य है
तथा ये कहना कि वर्तमान शरीर स्वप्न में असत्य था, सत्य की श्रेणियों का सूचक नहीं। गहन निद्रा में देह का भान ही नहीं रहता है, सदैव एक ही है और वो आत्मा है। श्री पॉल ब्रंटन पूछते हैं, धर्म देवता स्वर्ग नरक आदि की चर्चा क्यों करते हैं? केवल इस हेतु कि लोग जान लें कि वे इस जगत के समान ही हैं तथा केवल आत्मा ही सत्य है। साधक के दृष्टि बिंदु के अनुसार ही धर्म है। भगवद गीता का उदाहरण लें, जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव तथा गुरुजनों से युद्ध करने तथा उनको मारकर राज्य प्राप्त करने की अनिच्छा प्रकट की तो श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है कि वे, तुम तथा मैं पहले नहीं थे, वर्तमान में नहीं है अथवा भविष्य में नहीं होंगे, न कोई जन्मा है न कोई मरा है न भविष्य में ऐसा होगा ही। और इसी प्रकार कहा। बाद में प्रसंग को विकसित करते हुए जब वे घोषित करते हैं कि उन्होंने सूर्य को भी यही उपदेश किया था तथा सूर्य द्वारा इक्ष्वाकु आदि को, अर्जुन को संदेह हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका जन्म तो कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है, वे तो युगों पूर्व रहते हैं। अर्जुन का दृष्टिकोण समझकर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मेरे तथा तुम्हारे कितने ही जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं पर तुम्हें नहीं मालूम। ऐसे वचनों में विरोधाभास प्रकट होता है, किंतु फिर भी ये प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से सही है। ईसा ने भी यही घोषणा की थी कि वो अब्राहम से भी पहले थे। भक्त, धर्मों में ऐसे विवरणों का क्या तात्पर्य है? केवल आत्मा की सत्यता को दृढ़ करने के लिए। भगवान सदैव ही उच्चतम दृष्टिकोण से कहते हैं। श्री भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, लोग सरल स्पष्ट सत्य को नहीं समझ पाते। जो सत्य उनके दैनिक जीवन का है, नित्य सिद्ध है एवं नित्य अनुभूत है, वो सत्य आत्मा का है। क्या कोई ऐसा ही है जो आत्मा से अनभिज्ञ हो? उस आत्मा के संबंध में वे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, जबकि वे सबसे परे स्वर्ग नरक पुनर्जन्म के संबंध में जानने के उत्सुक हैं। चूंकि वे रहस्य प्रेमी हैं किंतु स्पष्ट सत्य नहीं, इस कारण धर्म उन्हें बहलाकर आत्मा तक घुमा कर लाते हैं। इधर उधर भटक कर तुम्हें आत्मा में वापस आना ही होगा, तब फिर अभी यही आत्मा में क्यों न रहो? दूसरी सृष्टि को देखने के लिए आत्मा का दृष्टा अथवा संकल्प करने वाले के रूप में होना आवश्यक है। उनकी सत्यता दृष्टा तथा संकल्पकर्ता की सत्यता के अनुपात की ही है। बिना दृष्टा आदि के उनका अस्तित्व ही नहीं है, इस कारण वे आत्मा से भिन्न नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति भी जब बाह्य पदार्थों को देखता है तो वो आत्मा को ही देखता है, किंतु वो प्रमाद के कारण पदार्थों के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात शरीर तथा इंद्रिय समूह से, और संसार में खेलता है। दृष्टा तथा दृश्य सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। न देखने वाला दृष्टा है और न दिखने वाला पदार्थ है। दृष्टा तथा दृश्य आत्मा है, आत्मा भी अनेक नहीं है, सब केवल एक ही आत्मा है। 26 जनवरी 1936, एक शिष्ट एवं अत्यंत संपन्न परिवार की भारतीय महिला कुमारी लीना साराभाई के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा,
समत्व की अवस्था आनंद की अवस्था है। वेदों में घोषणा मैं ये हूं अथवा वो हूं केवल मन के समत्व की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। महिला पूछती हैं, अतः हमें एक लक्ष्य लेकर प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा है? पहुंचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वो स्थायी नहीं होगा। लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहंकार सहित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु लक्ष्य तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्य में जो कुछ भी है वो हमारे जन्म अर्थात हमारे अहंकार के जन्म से भी पहले से है। चूंकि हमारा अस्तित्व है अतः अहंकार का भी अस्तित्व होता प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को मन समझें तो हम मन बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को शरीर माने तो हम शरीर बन जाते हैं। संकल्प ही अनेक प्रकार के कोशों की रचना करते हैं। जल के ऊपर की छाया चंचल प्रतीत होती है। क्या इस छाया के चांचल्य को कोई रोक सकता है? यदि इसकी हलचल बंद हो जाए तो ये तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा अपितु केवल प्रकाश। इसी प्रकार अहंकार तथा उसकी क्रियाशीलता पर ध्यान न देकर उसके पीछे जो प्रकाश है उसी को देखो। मैं का संकल्प अहंकार है, सत्य मैं आत्मा है। भक्त, साक्षात्कार के लिए यह पहली सीढ़ी है। साक्षात्कार पहले से ही है। संकल्प रहित अवस्था ही वास्तविक अवस्था है। साक्षात्कार जैसा कोई कार्य नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा की अनुभूति ना हो? क्या कोई अपने स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है? साक्षात करने का अर्थ होगा कि दो आत्माएं हैं, एक साक्षात करने वाली तथा दूसरी साक्षात की जाने वाली। जो पहले से साक्षात नहीं है उसका साक्षात किया जाता है। एक बार अपने स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर लेने के बाद ये किस प्रकार संभव है कि हम अपनी आत्मा को न जाने? भक्त, संकल्पों के कारण मन। हाँ, ऐसा ही है। ये मन ही बीच में खड़ा होता है और हमारे आनंद पर पर्दा डालता है। अपने अस्तित्व का हमें कैसे भान होता है? यदि तुम कहो कि अपने चारों ओर जगत के कारण, तो तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि तुम गहन निद्रा में भी थे? मन से कैसे मुक्त हों? महर्षि, क्या मन स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मन का वास्तविक स्वरूप जानो। जब तुम्हें ज्ञात होगा कि मन है ही नहीं, आत्मा की प्राप्ति होने के बाद मन कहीं नहीं रहता। आत्मा में दृढ़ रहने पर किसी को मन की चिंता की आवश्यकता नहीं। भय से कैसे मुक्त हों? भय क्या है? ये एक संकल्प मात्र है। यदि आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु हो तो भय का कारण है। अन्य कोई भी बाह्य वस्तु को कौन देखता है? पहले अहंकार उदय होता है और दृश्य पदार्थों को भय रूप में देखता है। यदि अहंकार उदय ना हो तो केवल आत्मा ही रहती है तथा वहां अन्य कुछ भी नहीं। अपने से अन्य बाहर कुछ देखने के लिए दृष्टा का अंदर होना आवश्यक है।
उसे प्राप्त कर कोई संशय उदय नहीं होगा, कोई भय नहीं रहता। भय ही नहीं, अहंकार के चारों ओर जितने भी संकल्प हैं वे भी इसके साथ विलीन हो जाते हैं। भक्त सामान्य पद्धति से जिसमें साधन चातुष्टय की अपेक्षा रहती है, मुक्ति प्राप्ति के लिए ये पद्धति सीधी प्रतीत होती है। महर्षि कहते हैं, हां, समस्त दुर्गुण अहंकार के चारों ओर रहते हैं। अहंकार के नष्ट होने से साक्षात्कार स्वतः ही हो जाता है। आत्मा में न सद्गुण है न दुर्गुण, आत्मा सर्व गुणों से मुक्त है। गुण केवल मन की उपाधि है, आत्मा गुणातीत है। जहां एक्यता है वहां द्वैत भी होगा। एक के अंक से अन्य संख्याएं उत्पन्न होती हैं। सत्य ना एक है ना दो, वो यथावत है। संकल्प शून्य स्थिति को ऐसे ही रहने दो, इससे अपना कोई संबंध मत मानो। जिस प्रकार जब तुम चलते हो उस समय पग स्वतः ही अनायास उठते रहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे कार्यों में भी, किंतु संकल्प शून्य अवस्था तुम्हारी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती हैं। कार्यों में सद असद विवेक क्या है? सद असद विवेक स्वतः ही होगा, अंतः प्रज्ञ। अर्थात अंतः प्रज्ञा ही मुख्य है, अंतः प्रज्ञ का विकास भी होता है। जिन्होंने महान सत्यों का आविष्कार किया है उन्होंने वो आत्मा की शांत गहराइयों में किया है। अहंकार भूमि पर पड़ती व्यक्ति की छाया की तरह है। यदि कोई इसे गाढ़ने का प्रयास करे तो मूढ़ता होगी। आत्मा केवल एक है। यदि सीमित है तो यह अहंकार है, यदि निस्सीम है तो यह अनंत है एवं सत्य है। बुलबुले एक दूसरे से भिन्न हैं अथवा अनेक हैं, किंतु समुद्र केवल एक है। इसी प्रकार अहंकार अनेक हैं, जबकि आत्मा एक है और केवल एक है। जब तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम अहंकार नहीं हो, तुम्हें सत्य की अनुभूति करनी चाहिए। अब भी तुम स्वयं को अहंकार से संबद्ध क्यों मानते हो? ये कथन उसके सदृश है जिसमें औषधि खाते समय बंदर का संकल्प करने से मना किया था। यह असंभव है। सामान्य जनता की यही कठिनाई है। सत्य की चर्चा करने पर भी तुम शिवोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान क्यों करते रहते हो? इसके महत्व की खोज करके इसे समझना आवश्यक है। शब्दों का जाप अथवा उसका मन में सोचना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। केवल अहंकार का त्याग ही सत्यता है। अहंकार को जानकर उसको नष्ट कर दो। चूंकि अहंकार कोई वस्तु नहीं है, अतः वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा एवं सत्यता अपने आप प्रकाशित होगी। ये प्रत्यक्ष पद्धति है, जबकि अन्य पद्धतियों में अहंकार बना ही रहता है। उन पद्धतियों में अनेक संशय उदय होते हैं एवं शाश्वत प्रश्न अंततः हल करने के लिए बना रहता है, किंतु इस पद्धति में अंतिम प्रश्न एक ही है तथा आरंभ से ही यह सामने आ जाता है। इस प्रकार से की जाने वाली खोज में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़कर और कोई रहस्य नहीं है कि स्वयं सत्यता होते हुए भी हम सत्यता प्राप्त करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी वस्तु ने हमारी सत्यता को ढक लिया है और सत्यता को प्राप्त करने के लिए
पहले इसको नष्ट करना आवश्यक है। यह हास्यास्पद है। एक दिन आएगा जब तुम भूतकाल में किए गए अपने प्रयासों पर स्वयं हंसोगे। जिस दिन तुम इस प्रकार हंसोगे वो आज भी और यही है। भक्त, इस प्रकार ये कल्पना रूपी मनोविनोद है। हां, योग वशिष्ठ में कहा है, जो सत्य है हमारी दृष्टि से ओझल है, परंतु जो असत्य है वो सत्य जैसा प्रकट होता है। वास्तव में हम केवल सत्य का ही अनुभव कर रहे हैं, किंतु हम इसे जानते नहीं हैं। क्या यह आश्चर्यों का आश्चर्य नहीं है? मैं कौन हूं कि शोध वो कुल्हाड़ी है जिससे अहंकार काट दिया जाए? एक कन्नड़ सन्यासी के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, मन की अनेक भूमिकाएं हैं, साक्षात्कार पूर्णत्व का होता है। मन द्वारा उसका बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता। सर्वज्ञानत्व अर्थात सर्वम होना है। सब कुछ का केवल मन से संबंध है। ज्ञात तथा ज्ञात दोनों मिलकर सर्वम होते हैं। मन की सीमा को पार कर तुम आत्मभाव से रहते हो। वर्तमान ज्ञान केवल सीमित का है, वह ज्ञान निस्सीम है। ऐसा होने से उसे इस ज्ञान से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ज्ञाता होकर न रहो, तब पूर्णता है। 26 जनवरी 1936, एक गुजराती सज्जन ने कहा कि वे नाद पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं एवं जानना चाहते हैं क्या ये पद्धति ठीक है। महर्षि उत्तर देते हैं, निर्धारित पद्धतियों में नाद पर ध्यान भी एक पद्धति है। इसके समर्थक इस पद्धति को एकदम विशेष उत्तम मानते हैं। उनके अनुसार ये पद्धति सबसे अधिक सुलभ तथा अत्यधिक सीधी है। जिस प्रकार बालक को लोरियां गाकर सुनाते हैं, उसी प्रकार नाद मनुष्य को शांत कर समाधि अवस्था में प्रवेश करा देता है। फिर जिस प्रकार एक राजा लंबी यात्रा से लौटते अपने राजकुमार के स्वागत के लिए राज्य के संगीत आचार्यों को आगवानी हेतु भेजता है, उसी प्रकार नाद भक्त को परमात्मा के प्रासाद में आनंद पूर्वक ले जाता है। नाद से एकाग्रता सहज में हो जाती है। नाद की अनुभूति कर लेने पर स्वयं इसे ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। नाद लक्ष्य नहीं है, दृष्टा को दृढ़ता से पकड़ना होगा, अन्यथा उसका परिणाम होगा शून्य। यद्यपि दृष्टा शून्य में भी है, किंतु उसे विभिन्न प्रकार के नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं रहेगा। उस शून्य में भी जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वयं की आत्मा को स्मरण रखना आवश्यक है। नाद उपासना उत्तम है। ये उत्तम होगा यदि इसे खोज यानी विचार से संबद्ध कर दिया जाए। इस प्रणाली से नाद चिन्मय तथा तन्मय यानी ज्ञान का तथा आत्मा का हो जाता है। नाद एकाग्रता में सहायता करता है। 28 जनवरी 1936, एक साधु के प्रश्न करने पर कि क्या देह आदि की विस्मृति ही भक्ति है, श्री भगवान ने कहा, तुम देह की चिंता क्यों करते हो? भक्ति का अभ्यास करो तथा देह क्या होता है इसका चिंतन त्यागो। बड़ी उम्र की एक अमरीकी दंपति श्रीमती एवं श्री कैली
तथा उनके साथ आए अन्य व्यक्ति जानना चाहते थे कि बैठने की असुविधा तथा मच्छरों के काटने की स्थिति में वे किस प्रकार एकाग्रता प्राप्त करें। महर्षि जवाब देते, यदि एकाग्रता ठीक हो तो असुविधाएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। असुविधाओं पर ध्यान मत दो, ध्यान में मन को स्थिर रखो। यदि तुम में मच्छरों के काटने पर उसे सहन करने का धैर्य तथा शक्ति नहीं है तो तुम आत्म साक्षात्कार की आशा कैसे कर सकते हो। जीवन में सारे कष्टों को सहते हुए ही आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। यदि तुम अपने आप को आराम देह करके शैया पर बैठोगे, शैया पर जाओगे तो तुम्हें निद्रा आ जाएगी। कष्ट सहकर भी ध्यान में स्थिर रहो। 31 जनवरी 1936। अमेरिकी महाशय कुछ ऊंचा सुनते हैं, युवावस्था से ही आत्मनिर्भर रहने से श्रवण शक्ति में होता हुआ ह्रास स्वभावतः उन्हें चिंतित कर रहा था। महर्षि कहते हैं, तुम आत्मनिर्भर नहीं थे, तुम अहंकार निर्भर थे। यह अच्छा होगा कि तुम अहंकार निर्भरता को नष्ट कर दो और वास्तव में आत्मनिर्भर हो जाओ। चिंता का कोई कारण नहीं है। इंद्रिय निग्रह आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था है। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी एक इंद्रिय का निग्रह स्वयं परमात्मा ने ही कर दिया है, ये तो अच्छा ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा कि उसे विनोद तो अच्छा लगा किंतु फिर भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। महर्षि जवाब देते, आत्मा केवल एक है। जब तुम अपनी भूलों के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हो तब भी क्या तुम्हें ठेस पहुंचती है? यदि तुम आत्मभाव में दृढ़ हो जाओ तो तुम्हें दोषी ठहराने वाला दूसरा नहीं है। जब तुम जगत को देखते हो तो आत्मा की धारणा नहीं रहती। इसके विपरीत आत्मा पर दृढ़ रहो तो जगत की प्रतीति नहीं होगी। 1 फरवरी 1936। श्रीमती कैली जानना चाहती थीं कि वे ध्यान करना उत्तम ढंग से कैसे सीख सकती हैं। महर्षि ने पूछा कि क्या उन्होंने रोमन कैथोलिकों की भांति माला फेर कर जाप किया है। उत्तर था, नहीं। क्या तुमने ईश्वर तथा उसके गुणों का विचार किया है? मैंने इन विषयों पर पढ़ा है तथा चर्चा की है। यदि इंद्रियों के स्पष्टतया व्यक्त किए बिना इसका मन में ध्यान पूर्वक विचार चलता रहे, यही ध्यान है। मेरा तात्पर्य गुप्त मार्ग तथा मैं कौन हूं में वर्णित ध्यान से है। इसकी तीव्रता से इच्छा करो जिससे कि मन भक्ति में द्रवीभूत हो जाए। कपूर के जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। मन कपूर है, जब ये कुछ भी शेष पीछे छोड़े बिना आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, यही आत्मा का साक्षात्कार है।